नमस्कार भाई दोस्तों, अभी तक तो भारत कनाडा विवाद में उलझ रहे थे, अब भारत अमेरिका विवाद बना दिया कुछ एक सिर्फ यूट्यूबरों ने अपने फेंक व्यू लेने के लिए। क्या बोल रहा था एक कि अमेरिका के राजदूत की पेंट उतार लो, यही बोला था ना। कौन था आपको भी पता है, नहीं करेंगे उसके ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि भाई उन्होंने मना किया पर्सनल नहीं कहना इसके बारे में, कुछ भी कहेंगे भी नहीं, वो इस लायक भी नहीं उसका ज्यादा जिक्र करें। लेकिन एक्शन का रिएक्शन कैसा होता आप लोगों को पता है, थोड़ा एक बार मान सुनना। आपको पता है ये तो होना ही था। अभी आपको एक चीज बताई थी मैंने कि भाई आप कोई भी वीडियो बनाते हो ना, वो वीडियो बहुत दूर तक जाता है, वीडियो बहुत दूर तक जाता है। लेकिन आप लोगों की समझ में ही नहीं आया कि वीडियो ऐसे भी चला जाता है, वीडियो ऐसे चला जाता है। अब जो रिपोर्ट सामने आई है ये तो हैरान करने वाली रिपोर्ट है। नाम किस किस का आ गया उस रिपोर्ट के अंदर, सुनना थोड़ा सा। कनाडा के विदेश मंत्रालय ने कथित विदेशी सूचना हेर फेर की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें ANI समिता प्रकाश, मेजर गौरव आर्या सेवानिवर्त और अन्य भारतीय मीडिया आउटलेट्स के ट्वीट्स पर प्रकाश डाला गया। उस रिपोर्ट में कनाडा ने उन्हें गोदी मीडिया कहा है। आ गया ना नाम, बोलिया था कब तक बचेगा, आ गया नाम। और हकीकत में भारत और अमेरिका का जो विवाद है वो है डॉलर को डाउन करने का, जो इनका स्कीम थी ना रूस के साथ मिलकर, जो ब्रिक्स सम्मेलन में अभी जा रहे प्रधानमंत्री साहब जा रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन में जा रहे हैं कि भाई डॉलर को डाउन करना है। और इस चीज को पकड़ गया था अमेरिका कि हाँ ये डॉलर के प्रति इन्होंने कोई साजिश रची है चीन और रूस के साथ मिलकर। पता नहीं था क्या वो क्या करेंगे, जो विदेश मंत्री को 12 दिन तक रख सकते हैं, अब वहां पर किस किस चीज की हाँ करवाई जा रही है, किस चीज का वो करवाया जा रहा है, इस चीज का आपको भी पता है, सभी को पता है। दूसरी तरफ यहां पर क्या दिखाया जा रहा है, यहां पर दिखाया जा रहा है भाई आतंकी पन्नू ने दे दी धमकी भारत को। क्या कोई एक इंसान किसी देश को धमकी दे सकता है? अगर देगा तो भुगतेगा, वो सबूत होंगे तो भुगतेगा वो सबूत होंगे तो। लेकिन सबूत नहीं होंगे बगैर सबूतों के कि भाई आपका संदीप सिंह सिद्धू है कनाडा का ऑफिसर, वो शामिल है इसमें। सबूत पता नहीं जी, वो संदीप सिंह सिद्धू कौन है ये पता नहीं कौन है, लेकिन कनाडा का ऑफिसर है, नाम भी ले रहे हैं, कनाडा का ऑफिसर भी बता रहे हैं, और साथ में ये बोल रहे हैं कि हमें ये कन्फर्म नहीं है यही संदीप सिंह सिद्धू है या कोई और है। कमाल ही हो गया भाई, इससे बड़ा कमाल और क्या होगा। अब जो अपने संजय कुमार हैं जो वहां से कनाडा से निकाले गए हैं, उनके भी दो शब्द सुनने चाहिए जो उन्होंने बोला है। वो क्या बोल रहे हैं, संजय कुमार वर्मा ने अपने प्रत्यारोपण में इनकार किया, इसे राजनीति से प्रेरित बताया, और उन्होंने कहा मुझे दिखाए कि वह जो विदेश मंत्री मेलोनी जोली है किस ठोस सबूत की बात कर रही है, जहां तक मेरी बात है वह राजनीति से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित बता रहे संजय कुमार। और दूसरी चीज, एक चीज और चल रही है यहां पे, मतलब कि हद है तुम्हारी न्यूज चलाने की, तुम न्यूज जिस हिसाब से चलाते हो ना हद है तुम्हारी गिरावट की। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त रहे संजय कुमार वर्मा ने खालिस्तान के मुद्दे पर बड़े खुलासे किए। भारत लौटने से पहले दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कनाडा की खुफिया एजेंसी और खालिस्तान आतंकियों के बीच कनेक्शन था। कनाडा सरकार ने एक मामले की जांच में वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया था। इसके बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में फिर तनाव आ गया। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है पता है, कि भाई आप ये सब कर रहे हो इसमें हमें शक, और आपने ये किया है, इस शक के आधार पर आपसे पूछताछ की जाएगी कि आप इस जुर्म में शामिल हो, जो यहाँ कनाडा के निज्जर हत्याकांड जो हुआ था ना, तो बोले आप इसमें शामिल हो। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप इसमें शामिल हो। लेकिन ये लोग तो दूसरी दिशा में चले गए, इन्होंने उठाकर कनाडा के ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लगा दिया, साथ में बोलते हमें ये नहीं कन्फर्म है ये वही संदीप सिंह सिद्धू या कोई और है। कमाल है, वो तो अगले ठोक कर बोल रहे हैं कि आपके राज नहीं करिए, पर्सन ऑफ द इंटरेस्ट है इनका, इनसे हम पूछताछ करेंगे। कनाडा की
सीटीवी न्यूज को दिए इंटरव्यू में वर्मा ने कनाडा सरकार पर खालिस्तानी चरमपंथियों को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, खालिस्तान चरमपंथियों को हमेशा प्रोत्साहन मिल रहा है, यह मेरा आरोप है। मैं भी जानता हूं कि ये खालिस्तान चरमपंथी और आतंकवादी CSIS के डीप स्टेट है। मैं कोई सबूत नहीं दे रहा हूं। साथ में क्या बोल रहा है, मैं कोई सबूत नहीं दे रहा, क्योंकि सबूत है ही नहीं, सिर्फ इल्जाम लगा रहा। हम कनाडा से सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि मेरी चिंताओं को ईमानदारी से समझे, न कि उन लोगों का साथ दे जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडवाद को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत से क्या होगा ये भारत के नागरिक तय करेंगे। ये खालिस्तानी भारतीय नागरिक नहीं है, कनाडा के नागरिक, और किसी भी देश को अपने नागरिकों को यह अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वह किसी अन्य देश की संप्रभुता को चुनौती दे। ये क्या कर रहा है भाई गोबर खारिया, ये तो डायरेक्ट बोल रहा है, उसकी पेंट उतार लो, उसका ये उतार लो। आज एक न्यूज और काफी वायरलिंग में चल रही है, पन्नू की न्यूज चल रही है वायरल में, भाई पन्नू ने ये चेतावनी दे दी, वो चेतावनी दे दी, ये बोल। यहाँ पे न्यूज चली हुई ना, पहले उसको सुन लेना थोड़ा ध्यान से, बाद में बताएंगे। आतंकी पन्नू ने दी प्लेन उड़ाने की धमकी, इंटरनेशनल यात्रियों से बोला मत करो भारत की यात्रा। आप जो कनाडा में है, अमरीका में, ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय है, उनको तो करनी पड़ेगी यात्रा, आना जाना भी पड़ेगा, अपने रिश्तेदारों से मिलना भी पड़ेगा। गुरपंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। पन्नू ने कहा कि सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर एयर इंडिया के विमानों पर हमला हो सकता है। उसने इंटरनेशनल यात्रियों से भारत की यात्रा नहीं करने की अपील की। बीते कुछ दिनों से भारतीय विमान कंपनियों को 100 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी है। इन धमकियों के बीच गुरपंत सिंह पन्नू ने भारत को धमकी देते हुए प्लेन उड़ाने की धमकी दी है। पन्नू ने कहा कि सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला हो सकता है। पन्नू ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया में उड़ान न भरने का आग्रह किया है। आग्रह किया सिख फॉर जस्टिस संगठन की नींव रखने वाला पन्नू आए दिन कोई ना कोई भड़काऊ बयान देता रहता है। खालिस्तान के नाम पर लोगों को भड़काने की वजह से पन्नू को भारत आतंकवादी मानता है, उस पर अलगाववाद को बढ़ावा देने के पंजाबी सिख युवाओं को फिर से हथियार उठाने के आरोप है। इसका तो वीडियो अभी आया है, लेकिन ये धमकियां तो कई दिनों से चल रही हैं। एयर इंडिया की कितनी फ्लाइटें रद्द हो चुकी, कितना कुछ हो चुका है। अब बात करते हैं भाई, जो तुम ये बार बार बोल रहे हो खालिस्तान खालिस्तान ये वो फलान ढिमकान, जो आप लोग बोलते जा रहे हो, क्या खालिस्तान के नाम से किसी ने अपने देश में चुनाव ही नहीं लड़े हैं? सुनना एक बार, सारे ही खालिस्तानी ने, मैं भी खालिस्तानी हूं, सरदार सिंह जैसे मान भी खालिस्तानी ने, ICS कपूर सिंह ने खालिस्तान के नाम से चोणा लड़के इलेक्शन जीती सी, अतिंदरपाल सिंह MP बनया सी खालिस्तान के नाम से, उन्हें चोण जीती सी और MP बन के जवाब सुना देना खालिस्तान के नाम से, और उसने कोर्ट से बकायदा, अतिंदरपाल सिंह ने कोर्ट से बकायदा अपने नाम के पीछे खालिस्तानी लिखवाया था। किस कोर्ट ने लिखा था भाई? वो अमेरिका की कोर्ट ने लिखा था, कनाडा की कोर्ट ने, इंडिया की कोर्ट ने दिया था आदेश कि आप लगा सकते हो, कर सकते हो आप इसको। अब इसमें क्या कहोगे, इंडिया के कोर्ट को भी झूठा बताओगे अब तुम, जो कि तुम करते हो। अगर तुम्हारे हक में फैसला आया तो कोर्ट बहुत बढ़िया, अगर हक में फैसला नहीं आया तो कोर्ट बहुत घटिया है। अतेंद्रपाल सिंह ने इंडिया के कोर्ट से ली थी ना परमिशन, अतेंद्रपाल सिंह खालिस्तानी लगाने की, या कहीं और से ली थी? क्या कहोगे अब इसके बारे में? मतलब होगी चुप्पी? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, जो ये भंडी प्रचार कर रहे हैं? आप लोग अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा, आपकी राय महत्वपूर्ण होती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की, गज के आंखों, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।